दोस्तों आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत से होगी। वहीं केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स अपने अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल से करेगी, जब उसका सामना होगा दिल्ली कैपिटल्स से। आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले लखनऊ की तरफ से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। इन खबरों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बड़े फैन तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली खबर की जो एलएसजी से आ रही है। तो ये खबर है केएल राहुल को लेकर। दोस्तों एलएसजी के कप्तान केएल राहुल फिलहाल अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। खराब फॉर्म की वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैचों से भी ड्रॉप कर दिया गया था। राहुल की जगह सुमन गिल को मौका मिला और उन्होंने जमकर रन बनाए। वहीं विकेट कीपर के तौर पर केएस भारत को खिलाया गया। ओडीआई में ओपनर के रूप में गिल ने राहुल का पहले ही पत्ता काट दिया है। वहीं अब टेस्ट में भी गिल ने शानदार परफॉर्मेंस कर राहुल को बाहर कर दिया। हालांकि राहुल के पास अभी भी वापसी का मौका है, वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलेंगे। ऋषभ पंत के इंजर्ड होने के बाद वही अब टीम के भरोसेमंद विकेट कीपर हैं। ईशान किशन भी स्क्वाड में विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वह एक ओपनर हैं, जबकि रोहित और गिल ही ओपन करेंगे। राहुल को मौका इसलिए मिल सकता है क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं और अब यहीं राहुल के लिए जगह बचती है। अगर वे ओडीआई सीरीज में मिडिल ऑर्डर में रन बनाते हैं तो फिर उनके जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के चांस बढ़ जाएंगे। ऋषभ पंत कब क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे इसका कुछ पता नहीं है। ऐसे में राहुल की नज़र ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज और आईपीएल में शानदार परफॉर्म कर इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी जगह बनाने की होगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 मार्च से शुरू होने वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज केएल राहुल के लिए काफ़ी क्रूशियल और अहम होने वाली है। वहीं दोस्तों अब दूसरी खबर की बात करते हैं तो ये है आयुष बदोनी को लेकर। दोस्तों युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी ने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से सभी को इम्प्रेस किया था। उनमें एक अच्छे फिनिशर की झलक दिखाई दी थी। आईपीएल 2023 में लखनऊ इस बल्लेबाज से और भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी। इसके लिए आयुष बदोनी तैयारियों में लगे हैं और वे अपनी टीम के प्रैक्टिस कैंप में जमकर पसीना बहा रहे हैं। एलएसजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आयुष बदोनी बैटिंग प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। वह ट्रेनिंग सेशन के दौरान छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में इस बार आयुष बदोनी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हमें दिखने वाले हैं। तो दोस्तों ये दो बड़ी खबरें लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से निकल कर आ रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।